मेरे को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। इस कठोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस स्टेशन के बाहर धरने पर बैठे ये बीजेपी विधायक बृज बिहारी पटेरिया हैं, जो एक डॉक्टर के खिलाफ रिश्वत मांगने को लेकर थाने में एफआईआर दर्ज कराने गए थे। लेकिन जब पुलिस ने उनकी शिकायत दर्ज नहीं की तो पुलिस स्टेशन के सामने ही धरने पर बैठ गए। और बात उस वक्त और ज्यादा बढ़ गई जब विधायक बृज बिहारी पटेरिया ने अपना इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष को भेज दिया, जिसमें लिखा था कि पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने के लिए थाने आया, लेकिन पुलिस सुन नहीं रही, इसीलिए आहत होकर इस्तीफा दे रहा हूं। मैं निर्वाचित विधायक हूं, यदि विधायक को खुद आना पड़े पुलिस थाने में तो पीड़ित पक्ष की रिपोर्ट लिखवाने के लिए और ना लिखी जाए, इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है। नहीं, कदम तो मैंने उठा लिया, मैंने दे दिया इस्तीफा, ऐसी विधायक मुझे नहीं करना है। बीजेपी विधायक के इस इस्तीफे ने सोशल मीडिया पर तूफान मचा दिया। हालांकि इस्तीफे के बाद पुलिस एक्शन में आई, आरोपी डॉक्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली गई, जिसके बाद विधायक ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया। मुख्यमंत्री जी हमारे साथ में, पूरा संगठन, हमारे पूरे मंडल अध्यक्ष, पूरे कार्यकर्ता जिनने हमें इस पद तक पहुँचाया है, वो सब साथ में, अब उन सबके निर्देशों का पालन, आदेश का पालन मैं करूंगा, माननीय अध्यक्ष जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश का पालन करूंगा, और अब वो इस्तीफा की भी बात ही नहीं है। ये कोई पहली बार नहीं जब बीजेपी विधायकों की पुलिस ने ना सुनी हो। इससे पहले 4 बार के विधायक प्रदीप लारिया ने प्रशासन से अवैध शराब, जुआ और सट्टे के खिलाफ कार्रवाई की शिकायत दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पहले तो 3 महीने जब हम लोगों ने बीच में इस संबंध में बात उठाई थी तो बहुत तेजी के साथ कार्रवाई हुई थी। जो ढाबों पर शराब बिक रही थी, कहीं शराब बिक रही थी, वो बंद हुई थी। जुआ और सट्टा भी बंद हुआ था। तो एक बार पुनः उसको स्मरण कराने के लिए हम लोग आए। बीजेपी में नाराज विधायकों की लंबी होती लिस्ट और पुलिस के तानाशाही रवैये ने प्रदेश सरकार पर विरोधियों को निशाना साधने का मौका दे दिया है। यह बात जब विपक्ष के लोग कहते थे तो सत्तारूढ़ दल के लोग कहते थे कि विपक्ष तो इस तरीके की आदत है, जब सत्ता पक्ष के लोगों को धरने पर बैठ रहा हो और उनकी सुनवाई ना हो रही हो। यह सरकार में प्रशासनिक अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं, काबू पाने के लिए तत्काल ऐसे जिलों के अधिकारियों की जाँच की जाए। राज्य में बीजेपी की सरकार है, कई सांसद भी बीजेपी के हैं, बावजूद इसके पुलिस सत्ताधारी पार्टी के विधायक की ना सुने तो सवाल उठना तो लाजमी है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.